हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो देखिए, ये हमारे जयशंकर जी ने क्या बोला है, डिस्कस्ड इंडिया कनाडा इशू विद ब्लिंकन। तो इंडिया कनाडा इशू यहाँ पे डिस्कस किया है इन्होंने, तो देखते हैं क्या है इसमें हमारे लिए। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर कंफर्म्ड दैट देर वॉज अ डिस्कशन ऑफ इंडिया कनाडा डिस्प्यूट इन द मीटिंग विथ यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सिविलियन एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अटॉर्नी ब्लिंकन एंटनी ब्लिंकन। द मिनिस्टर मेट विद द यूएस कैबिनेट ऑफिशियल ऑन सितंबर 28 ड्यूरिंग द विजिट टू वॉशिंगटन डीसी। देर हैज बिन मच इंटरेस्ट इन एक्सप्लोजिव एलिगेशन ऑफ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो दैट इंडिया वॉज इन्वॉल्व इन किलिंग ऑफ कैनेडियन खालिस्तानी सेपरेटिस्ट हरदीप सिंह निज्जर इन ब्रिटिश कोलंबिया अर्लियर दिस ईयर। इंडिया इज डिनाइड एनी इन्वॉल्वमेंट इन द किलिंग। तो देखिए, यहाँ पे यही बात हो रही है, इंडिया बार बार डिनाई कर रहा है कि भाई हमने तो नहीं किया। बार बार क्या कर रहा है, एक बार कर दिया, हमने नहीं किया, तुमको कबार पीटना है पीटते रहो, हमें नहीं मतलब। डिड आई स्पीक अबाउट इट द रो विद द कनाडा विद जेक सिविलियन एंड द टोनी ब्लिंकन। यस आई डिड, इन्होंने जयशंकर जी ने बोला, ही सेड स्पीकिंग एट अ डिस्कशन ऑर्गेनाइज एट द हुडसन इंस्टीट्यूट ऑन सेप्टेम्बर 29 मॉर्निंग। मिस्टर जयशंकर मेट सेपरेटली विद मिस्टर सुलिवन एंड मिस्टर ब्लिंकन and noted that he had heard US views and assessment of the India-Canada situation in those discussions. The minister said that he hoped the India and US sides has come out of these meetings better informed. Secretary Blinken also took the opportunity to urge India to cooperate fully with the ongoing Canadian investigation. A State Department spokesperson told The Hindu on Friday, pointing to the official रीडआउट विच लिस्टेड अ रेंज ऑफ इशूज दैट वर डिस्कस्ड। तो यहाँ पे बहुत सारे इशू डिस्कस हुए थे, एक इशू ये डिस्कस हुआ था, यूएसए इंडिया को कह रहा है प्लीज़ कैनेडा जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसमें कॉपरेट करिए, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। टू अंडरस्टैंड द इशू मिस्टर जयशंकर टोल द ऑडियंस एट हुडसन, वन हैड टू अप्रिशिएट दैट देर हैड बिन ग्रेट फ्रिक्शन सिंस 1980s बिटवीन इंडिया एंड कैनेडा बिकॉज ऑफ ओटावा वेरी पैसे परमिसिव एटीट्यूड टूवर्ड्स टेररिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो देखिए, डायरेक्ट टारगेट किया इन्होंने कैनेडा को, और बिल्कुल से टारगेट क्या क्या, सच्चाई बोली, मुंह पे सच्चाई बोलने को हम लोग बोल देते हैं टारगेट कर दिया। दे हैव बीन गिवन ऑपरेटिंग स्पेस इन कैनेडा बिकॉज ऑफ द कंपल्शंस ऑफ कैनेडियन पॉलिटिक्स, बता दिया इन्होंने कि देखो इनका वोट बैंक है इसलिए। मिस्टर जयशंकर सेड एडिंग डैट कैनेडा लुक प्रोबेबली वेरी डिफरेंट टू अमेरिकन। He was making the point that interest contribute to perception of the country. ठीक है, interest जो है अपने country का ठीक करो आप लोग। For India, he said the perception was the Canada had a very toxic combination of organized crime from India, trafficking in people mixed with secessionism. मतलब यहाँ पे state को अलग, जैसे India से पंजाब को अगर अलग करने की बात कर रहे हैं तो उसी को बोलते हैं ये। मिस्टर डिप्लोमैट्स आर अनसेफ गोइंग टू द एम्बेसी और द कॉन्सुलेट्स इन कैनेडा एंड पब्लिकली इंटीमिडेटेड, मिस्टर जयशंकर सेड एक्सप्लेनिंग वाई ही हैड टू टेम्परेली सस्पेंड वीजा ऑपरेशन। आस्क फॉर द स्टेटस रिपोर्ट ऑन कैनेडा इंडिया कैनेडा रो, द मिनिस्टर रिपील्ड पोजिशन ही हैड स्टेटेड इन न्यूयॉर्क अर्लियर दिस वीक, नीदर कैटेगोरिकली फॉर्मिंग और डिनाइंग द सीन द एविडेंस ऑफ द गवर्नमेंट रोल इन मिस्टर निजर स्किलिंग। ये आप वीडियो देखिए यूट्यूब पे डाल के, वहाँ पे बार बार एक रिपोर्टर जयशंकर जी से पूछ रही है, जयशंकर जी ने पहले डिनाई, मतलब यस और नो बोलवाने के लिए वो लोग बहुत वो थे कि आप यस या नो बोलो। पर बीइंग अ डिप्लोमेट, फॉर्मल डिप्लोमेट जयशंकर जी ने आप देखिए बिल्कुल डिप्लोमेटिकली सिचुएशन को हैंडल किया, और जब बहुत ही उस रिपोर्टर ने पुश कर दिया तो फिर वहाँ पे आप देखिए यूएस साइड से भी इंटरवेंशन हो गया कि बस वी आर डन। तो यहाँ पे यही बात हो रही है, द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मेड सम एलिगेशन इनिशियली प्राइवेटली एंड देन पब्लिकली एंड अ रिस्पॉन्स टू हिम बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट वर दैट वी दैट वॉट ही वॉज एलिजिंग वॉज नॉट कंसिस्टेंट विद आवर पॉलिसी। साफ इंडिया की पॉलिसी ये नहीं है कि हम लोग ऐसे छुपके से मारे। मिस्टर जयशंकर सेड एडिंग दैट इफ द कैनेडियन गवर्नमेंट हैड एनीथिंग रिलेवेंट एंड स्पेसिफिक फॉर इंडिया टू लुक दैट इज एविडेंस द गवर्नमेंट वुड लुक एट इट। तुम कोई सच्ची चीज बताओ हम देखेंगे। दैट्स वेयर द कन्वर्सेशन इज एट द पॉइंट ऑफ टाइम। तो यही चीज जयशंकर जी ने बोली है यहाँ पर। आप देखिए हमारे लिए पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले कैनेडा इंडिया रिलेशन, ठीक
ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा अब देखिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है खालिस्तानी इशू, ठीक है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। थर्ड आप देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया भी है ओटावा 1980s, तो ग्रेट फ्रिक्शन सिंस 1980, तो क्या इंडिया कनाडा इशू में ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे? हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे। और आप देखिए इंडिया का यहाँ पे स्टैंड क्या है, हमने नहीं किया है। इंडिया इंडिया पॉलिसी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या है, हमने ये किलिंग नहीं करवाई है। दूसरा अगर कोई एविडेंस बताओ कि जिसको इंडिया को देखना चाहिए, हम बिल्कुल देखने को तैयार हैं। तो बार बार यही चीज़ हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे हमने देखिए क्या बोला है, वेरी टॉक्सिक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम फ्रॉम इंडिया, ट्रैफिकिंग, पब्लिक मिक्सिंग विथ सेक्शनिज्म। तो ये चीज़ बोला कि यहाँ पे कनाडा ये चीज़ कर रहा है। और तो इस आर्टिकल में मतलब मेन चीज़ आप देखिए कनाडा इंडिया इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आईआर के टॉपिक के लिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है खालिस्तानी इशू, ये इंटरनल सिक्योरिटी भी हो जाता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, और इंडिया की पॉलिसी तो हम आईआर में पढ़ेंगे कि हम किस चीज़ को आंसर करते हैं किस चीज़ को नहीं करते। सो थैंक यू गाइज एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।